नमस्कार वीटीवी न्यूज साथे हूं मनीषा। विगतवार समाचार की शुरुआत में बात करीशू रायबरेली थी राहुल गांधी सभा संबोधी रहा है। उसको 10,000 करोड़ रुपए क्यों मिल रहे हैं, हमें 50,000 भी नहीं मिलते हैं। मोदी की सरकार हमें 50,000 रुपए का बैंक लोन नहीं देती है, उसको 10,000 करोड़ रुपए क्यों दे रही। यह हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर है। आप मेड इन इंडिया चाहते हो, आप मेड इन रायबरेली चाहते हो, सिर्फ एक काम करो, जो किसान टमाटर उगाता है उसके पास जाओ, उसे कहो इधर आओ, बैंक लोन चाहिए, ये लो बैंक लोन, 50,000 का चाहिए 50,000 रो, कर्जा माफ करें, चलो कर्जा माफ चाहते हो कर्जा माफ करेंगे, खड़े हो जाओ, दिन भर अपना खून पसीना देते हो लग जाओ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए चलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमें आपको देंगे। मालिया हिंदुस्तान में शराब बेचता है, जो शराब बेचता है उसको आप 10,000 करोड़ रुपए देते हो, और जो अपना खून पसीना देता है जिंदगी देता है उसको आप 5 रुपए नहीं देते हो। किस प्रकार की सरकार है ये? बदलाव हम लाएंगे। गठबंधन की सरकार कर्जा माफ होगा, और पूरे प्रदेश में हम छांट छांट कर युवाओं को निकालेंगे। कोई छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है मुरादाबाद में, ब्रासवर की फैक्ट्री, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे सुनो तुम्हारी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमारी सरकार मालिया को बैंक लोन नहीं देगी, तुम्हें देगी एक शर्त पे, बैंक लोन लो, जो मशीनें खरीदनी है खरीदो, मगर अपनी फैक्ट्री में 200-300 लोगों को तुम रोजगार दो, मंजूर है? हां मंजूर है, चलो करो ले। आप मुझे बताओ विजय माल्या ने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार दिया है? आप किसी भी उत्तर प्रदेश के युवा को पकड़ लो, 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, उसको कहो इधर आओ, ये लो 5 लाख रुपए बैंक लोन, अपना छोटा सा बिजनेस चालू करो, 5 लाख रुपए में वो माल्या से ज्यादा रोजगार तैयार कर देगा उत्तर प्रदेश में। और ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी, एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ रोजगार दो उत्तर प्रदेश को। नोटबंदी ने छोटे बिजनेसेस को, दुकानदारों को, किसानों को जबरदस्त चोट पहुंचाई। और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा। आप यहां और खासतौर से जो महिलाएं हैं, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में लाइए, युवाओं की सरकार आएगी, महिलाओं की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी, युवा को लगेगा कि भैया बैंक लोन मिल रहा है, मदद हो रही है, मशीनें हमारे पास आ रही हैं, फैक्ट्री लग रही है, किसानों को लगेगा पहली बार सरकार ने हमें पूरी मदद दी है, खड़ी हुई हमारे साथ सरकार, ऐसी आप सरकार लाइए, मिलकर हम ऐसी सरकार लाएंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेंगे, मेड इन उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और एक ऐसा दिन आएगा रायबरेली का युवा फोन को देखेगा, उस पर लिखा होगा मेड इन रायबरेली, मेड इन उत्तर प्रदेश। शाम का समय है, आप सबको दूर दूर जाना पड़ेगा, महिलाओं को जाना पड़ेगा, मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने कष्ट किया आप यहां आए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, पूरे प्रदेश में यहां पे आसपास में, उनको आप जिताइए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए,
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हमारी जो माताएं बहने हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज जाहिर सभा है। घना लांबा समय बाद बने की जाहिर सभा साथ है। राहुल गांधी संबोधन में पीएम मोदी पर आकरा प्रहारों कर અને જણાવ્યું કે મોદી જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં પોતાના સંબંધો જોડી દે છે। બનારસમાં જણાવ્યું હતું, હું બનારસનું દીકરો છું। તો આ સાથે જ રાહુલ ગાંધી પીએમ મોદી પર વધુ પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું, ભ્રષ્ટાચારને લઈ જે નિશાન તાક્યું રાહુલ ગાંધી પર, ત્યારબાદ તેમણે તમામ લોકોને અપીલ કરી હતી કે કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીની જો સરકાર આવશે યુપીમાં तो सौथी पहलू काम रोजगारी आपवानू करवामां आवशे। रायबरेली में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जाहिर सभा छे। घना लांबा समय बाद बन्ने नी साथे राहुल गांधी की जाहिर सभा जोवा मळी हती। यूपी विधानसभा चूंटणी सात तबका में अलग अलग मतदान चालू छे। जे दरमियान हाल राहुल गांधी रायबरेली में जाहिर सभा ने संबोधन कर रहा था। पीएम मोदी पर आकरा प्रहारों कर साथ मोदी पर निशान ताकता जणाव्यु कि मोदी ज्यां पण जाय छे त्यां पोताना संबंधों जोड़ी दे छे। बनारस में गया त्यारे तेमणे जणाव्यु हतुं, हूँ बनारसनो दीकरो छूं, परंतु जे खरेखर काम करवाना छे ते अंगे तेमणे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर्यो हतो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जाहिर सभा आज यूपी ना रायबरेली में योजाई हती। लांबा समय बाद बन्ने नी एक साथे जाहिर सभा हती। राहुल गांधी पोताना संबोधन में महिलाओं नो आभार व्यक्त कर्यो हतो। आ साथे ज पीएम मोदी पर आकरा प्रहारों कर्या हता।